हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल, आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अलगार ब्लॉग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ सेक्टर 9। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, G+7 का प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा। 2 BHK और 1 BHK यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्राइस की भी बात करेंगे, सब कुछ आप इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए जाके देख लेते अपना 2 BHK और 1 BHK किस हिसाब से। तो दोस्तों, ये है एंट्रेंस लॉबी, ऊपर जाके देख लेते अपना कैसा है फ्लैट। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बिल्डिंग के अंदर। तो बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट के सामने हमें जो लॉबी मिलता है, कुछ इस टाइप का लॉबी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फ्रंट फेसिंग में यहाँ पे आपको 2 BHK मिलने वाला है एंड बैक फेसिंग में आपको यहाँ पे 1 BHK मिलने वाला है। एक फ्लोर पे यहाँ पे 6 फ्लैट है। यहाँ पे आपको दो स्टेयरकेस और एक लिफ्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो हम 1 BHK भी देख लेंगे एंड 2 BHK भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे अपना 2 BHK। तो 2 BHK के सामने आपको इस टाइप का बहुत बड़ा स्पेस आपको अपने दरवाजे के सामने यहाँ पे मिलता है। वास्तु की बात करेंगे तो सभी फ्लैट यहाँ पे वास्तु के हिसाब से हैं। तो चलिए जाके देख लेते हैं अपना ये 1 BHK कैसा है। तो दोस्तों, अभी हम इंटर किए अपने हॉल के अंदर। तो हॉल का साइज देख सकते हो, एल शेप का हॉल आपको यहाँ पे मिलता है, काफ़ी बड़ा हॉल आपको यहाँ पे मिलता है। एल शेप होने के कारण हॉल की साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है। 1100 का एरिया है यहाँ पे, जो बिल्टअप एरिया है वो 1100 का है। सेक्टर 9 में ये प्रोजेक्ट है, G+7 का बिल्डिंग है। हम पैकेज की भी बात करेंगे, न्यू बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग में थोड़ा रेट भी ज़्यादा है। तो इस टाइप का आपको डाइनिंग स्पेस, आपको काफ़ी बड़ा डाइनिंग स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हम किचन भी देख लेंगे, बेडरूम भी देख लेंगे, सभी देख लेंगे। तो आगे जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपना किचन का साइज़ देखने के लिए। आप देख सकते हो किचन, बहुत बड़ा किचन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बॉक्सी टाइप का किचन है, वन साइड का प्लेटफॉर्म है। तो किचन का साइज़ की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ा किचन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप देख सकते हो, एक छोटा बेडरूम है, जिसका बाकी बिल्डिंग में आपको इस टाइप का एक बेडरूम मिल जाएगा, उस टाइप का यहाँ पे आपको किचन मिलने वाला है। 1100 का एरिया है और जो फ्लैट है काफ़ी बड़ा, स्पेसियस है। आपका फ्रीज वगैरह सब कुछ, बैठ के भी काफ़ी स्पेसियस जगह आपको इस किचन में मिलने वाला है। हॉल का भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, एल शेप का आपको ये हॉल मिलने वाला है। अभी हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। तो ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है यहाँ पे, उसका भी साइज़ काफ़ी बढ़िया साइज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। न्यू प्रोजेक्ट है, सेक्टर 9 में प्रोजेक्ट है, G+7 का बिल्डिंग है। ये कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम का साइज़ थोड़ा मुझे छोटा लगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है, इतना भी छोटा नहीं है लेकिन है। और इसको मिलता है हमें एक छोटा सा फ्लावर बेड, जो कि 2 फिट का फ्लावर बेड आपको यहाँ पे मिलता है। तो हम हमारा मास्टर बेडरूम भी जाके देख लेते हैं कैसा है। तो दोस्तों, इस टाइप का मास्टर बेडरूम हमें यहाँ पे मिलता है। एंट्रेंस में मिलता है हमें ये कॉमन जो मास्टर बेडरूम का जो टॉयलेट है, तो एंट्रेंस में हमें यहाँ पे मिलता है। न्यू बिल्डिंग है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, तो फ्लैट काफ़ी बढ़िया है, लोडिंग काफ़ी कम है उस हिसाब से। तो बात करेंगे, मास्टर बेडरूम का भी साइज़ ठीक ठाक ही है, तो काफ़ी है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। प्राइस जो भी है वो निगोशिएबल है। तो प्राइस जो है, जैसे कि बिल्डर का प्राइस जो है वो 90 और ऑल इंक्लूड पैकेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, पार्किंग के साथ वगैरह सब कुछ पैकेज वगैरह है। जो पैकेज है वो निगोशिएबल पैकेज है। तो चलिए दोस्तों, अभी कैसा है ना, न्यू बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का रेट बढ़ गया, उसलिए प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया। तो जिनको भी अगर लेना है प्रॉपर्टी, तो फटाफट जल्दी से कॉल करके अपना प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। जिनको भी अगर प्रॉपर्टी का लेने का डिसीजन ले लिया है, तो फटाफट देखो, इन फ्यूचर में भी प्रॉपर्टी का और भी रेट बढ़ने वाला है। तो हम अभी जाके देख लेते हैं अपना 1 BHK भी कैसा है, हम 1 BHK का भी प्राइस आपको बता देंगे। तो चलिए जाके देख लेते हैं अपना 1 BHK। हॉल का साइज़ काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये 2 BHK का, लेकिन जो पैकेज है आपको 91 लाख का पैकेज आपको यहाँ पे ये बिल्डिंग में मिलने वाला है। आप देख सकते हो, यहाँ पे हॉल की साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हॉल की साइज़ आपको यहाँ पे मिलता है। तो अभी जाके देख लेते हैं अपना 1 BHK कैसा है। तो दोस्तों, 1 BHK के सामने, जो फ्लैट के सामने, इतना बड़ा स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, काफ़ी स्पेसियस स्पेस जो है ये बिल्डिंग के अंदर, जो लॉबी है उनका बहुत बड़ा लॉबी है। तो चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। तो फ्लैट का साइज़ देखोगे 1 BHK का, काफ़ी बड़ा हॉल आपको यहाँ पे मिलता है। एक रेक्टेंगल स्पेस का आपको यहाँ पे जो हॉल है, उस टाइप का हॉल यहाँ पे मिलता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करेंगे तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे मटेरियल जो यूज़ किया गया है। हाइट की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा हाइट है यहाँ पे जो यूज़ किया, लेकिन फ्लैट के अंदर आते ही थोड़ा एक प्रीमियम फील हो जाता है। आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको येल टाइप का थोड़ा सा जो गैलरी है, 2 फिट का फ्लावर बेड आपको यहाँ पे मिलता है। हॉल के बाजू में आपको मिलता है एक बढ़िया सा किचन। किचन की बात करें तो किचन 1 BHK का भी काफ़ी बड़ा किचन है। यहाँ पे देख सकते हो, बॉक्सी टाइप किचन है,
स्क्वायर टाइप यहाँ पे किचन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वन साइड का प्लेटफॉर्म है लेकिन किचन का साइज काफी बड़ा किचन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस साइड में आपका फ्रिज का वगैरह जगह होके भी आपको बहुत बड़ा किचन में आपको स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखते हैं हॉल की भी साइज जो है नॉर्मल उलवे में 1 BHK की, तो उसी टाइप का आपको यहाँ पे ये हॉल में मिलने वाला है। तो चलिए जाके बेडरूम भी देख लेते कैसा है। सामने आपका जो है कॉमन जो टॉयलेट बाथरूम है यहाँ पे आपको जो मिलता है, लेकिन जो टॉयलेट का जो साइज है काफी बड़ा साइज आपको यहाँ पे मिलता है। आप देख सकते हैं काफी बड़ा टॉयलेट यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आपका वॉश बेसिन के लिए भी काफी बड़ा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। इस साइड में आपका बेडरूम है, तो बेडरूम का भी साइज काफी बढ़िया बेडरूम का साइज आपको यहाँ पे मिलता है। तो काफी बड़ा बेडरूम जैसे कि आपको नॉर्मल हॉलवे में है जो बेडरूम का साइज, तो उसी टाइप का आपको यहाँ पे मिलता है। मुझे थोड़ा बहुत बड़ा बेडरूम लगता है यहाँ पे, तो काफी बड़ा बेडरूम आपको यहाँ पे मिलता है। बेडरूम का साइज काफी अच्छा लगा मुझे, जो स्पेसियस है बेडरूम। आप देख सकते हो यहाँ पे बेडरूम का आपको मिलता है 2 फीट का फ्लावर बेड। तो चलिए दोस्तों, जिनको भी अगर ये फ्लैट अच्छा लगता है विजिट करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना विजिट कंफर्म कर सकते हो। सेक्टर 9 में ये प्रोजेक्ट है, ब्रांड न्यू बिल्डिंग है, अभी जस्ट पूरा बिल्डिंग रेडी हो चुका है, कुछ ही दिन में इसका उसी पोजीशन भी हो जाएगा। तो जिनको भी अगर ये विजिट करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना विजिट कंफर्म कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।